हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं विमल सॉन्ग से आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हमारे घर में पूजा है, तो मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि हमारे घर में किस तरह से पूजा होने वाला है। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए चलते हैं जहाँ पर वीडियो पूजा हो रहा है, वहाँ पर लेकर चलते हैं आपको किस तरह पूजा हो रहा है वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहे। परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर तट पर उतर गया। राजा को व्रत करता देख साधु पूछा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? भक्ति पूर्वक कहिए, हमारी सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से करता हूँ। बनिया नमस्कार करके बोला, हे राजन, मुझे व्रत की विधि बताइए, मैं भी करूँगा, कारण कि मेरे भी कोई संतान नहीं है और विश्वास है कि इस व्रत को करने से अवश्य मुझे संतान प्राप्ति होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर स्त्री से यह सतानंद व्रत को कहा और संकल्प किया कि जब भी मेरे घर कोई संतान उत्पन्न होगी तब मैं अवश्य सत्यनारायण का व्रत करूंगा। भगवत कृपा से उसकी स्त्री आनंद चित्त से गर्भवती हुई और 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति नित्य प्रति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु ने कन्या का जात कर्म करके और कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में कहा कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु ने कहा कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय में एक साथ व्रत को कर लेंगे। ऐसा समझा बुझा कर वह बाहर चला गया और कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। जब धर्म के साधु ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह योग्य देखा तब ऐसा सुनकर और भगवान के व्रत करने के लिए उदित हुए पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों को बुलाकर और भगवान के व्रत को किया। उसके प्रभाव से भगवान प्रसन्न हो गए। Oh my,
भाभी क्या बन रही? अभी तक लोगों को बेवकूफ बना रहा था।